और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म, उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण में? लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालो राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी। अयोध्या में रामलला के मंदिर खोले के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बड़ो बयान दो है। उनने ये पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंकराचार्यों की उपेक्षा को आरोप लगाओ है और इनके संग कई और अहम बयान भी दिए हैं। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का बात की बात है, राम भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में वहाँ पे आज भी अखंड ज्योत जलती है, राम मंदिर में, वहाँ के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है। और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का, उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामनंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है, उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं कि चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने कि जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्भया खड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई नाम काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानंद संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं, फूट डालो राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने वालों है और ई को लेके कांग्रेस पार्टी ने उत्ते से मिलो निमंत्रण भी अस्वीकार कर दो है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल।